वैता उसे, किसी चीज का लेना किसी चीज का देना। और भय में यही होता है, हम पैसा देते हैं सामान मिलता है, सामान देते हैं पैसा मिलता है। भय में हम कोई शय देते हैं, सोना देते हैं हमको पैसा मिल जाता है, कभी पैसा देते हैं हमको सोना मिल जाता है, चांदी देते हैं हमको सोना मिल जाता है, सोना देते हैं हमको सोना मिल जाता है, चांदी देते हैं चांदी मिल जाती है। कभी कभी इंसान क्या करता है, उसी के हम जिनसे करता है, गल्ले देकर के गल्ले खरीदता है, उसी जैसे चीजें देकर के उसी जैसे चीज खरीदता है। यह अक्सो शय वैताव शय, किसी चीज का क्या करना लेना, ये लोगत में कहते हैं। शरीयत में किसे कहते हैं, माल का माल से मुबादला करना, माल को माल से अगर आप बदल रहे हैं तो ये तिजारत कहलाती है, बय कहलाता है। क्या कहलाता है, बय। वलौ फिर जिम्मा, घर से ये माल जिम्मे ही में क्यों ना हो, मतलब अभी तक आप हासिल ना किए हो। और मनफात मुबाह अलताबीद, या अबदी तौर पर आप उससे फायदा उठा रहे हो। मिसाल के तौर पर एक आदमी का घर आप लेके रखे हुए, घर आपने लिया तो नहीं है लेकिन उससे फायदा आप उठा रहे हैं, किराए पर लेके रखे हुए, ये भी तिजारत की एक शक्ल है। आदमी आपसे पैसा लेता है और आपको अपना घर दे करके रखा हुआ है, घर आपका है नहीं लेकिन पैसा उसका हो जा रहा है, तो ये वक्ती तौर पर अगर आप फायदा उठा रहे हैं या हमेशगी के तौर पर फायदा उठा रहे हैं। जी वो नाजायज और हराम है, दुरुस्त नहीं है, वो सूद की शक्ल है, गैर रिबा व कर्ज। इसीलिए क्या कहा तारीफ में कि वो सूद ना हो और क्या बोलते हैं, कर्ज ना हो, सूद ना हो और क्या है, कर्ज ना हो। हुक्म क्या है बय का, बय का मुतलक जो हुक्म है जायज, खरीदो फरोख क्या है वो जायज है। दलील है वह अहल्लल्लाहुल बैया व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने बय को हलाल किया, सूद को क्या किया अल्लाह ने, हराम किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इदा तबा या अर्रजुलान, जब दो लोग खरीदो फरोख्त करें लेन देन करें, फकुल वाहिदु मिनहुमा बिल खियार मालम तफर्रका, तो हर एक को बेचने वाले को भी सामान लेने वाले को भी दोनों को इख्तियार है, जब तक मजलिस से अलग ना हो जाए, जब तक मजलिस से अलग ना हो जाए। वकाना जमीअन, जब तक दोनों एक साथ है तब तक उनको रद्द करने का इख्तियार है, बय को फस करने का इख्तियार है, लेने वाला सामान वापस कर सकता है और बेचने वाला कह सकता है भाई साहब सामान दे दीजिए अपना पैसा लेके जाइए आप, किसी भी वजह से वो रद्द कर सकता है और इख्तियार उसको बाकी है, हर एक को अपना इख्तियार का इस्तेमाल कर सकता है। और तमाम मुसलमानों ने इजमा किया है कि बय मिन जुमला जायज है, बय क्या मिन जुमला जायज है, और जायज इसलिए है कि लोगों को उसकी जरूरत है। अगर बय ना हो, हर आदमी के पास अपना सामान रखे रहे तो जाहिर सी बात है कि आसानियां नहीं होंगी, मामलात का तंगी में पड़ जाएंगे। हम सब्जी लेने जाते हैं, गोश्त लेने जाते हैं, मसाले लेने जाते हैं, तेल लेने जाते हैं, सामान जरूरियात जिंदगी लेने जाते हैं, अगर बिके ना तो क्या होगा, तंग हो जाएंगे हम, परेशान हो जाएंगे। दूसरा मसला है बय के अरकान क्या क्या है, जब खरीदो फरोख्त होता है तो उसमें क्या बोलते हैं, कौन कौन से रुकन होते हैं। कहते हैं तीन अरकान है, आकिद माकूद अलैह और सेगा। अक्द करने वाला किस चीज पर अक्द किया जा रहा है, लेन देन किसका हो रहा है, अक्द करने वाले कौन है, दो है, खरीदने वाला बेचने वाला। माकूद अलैह क्या, सामान, कौन सी चीज आप ले रहे हैं, साबुन ले रहे हैं, तेल ले रहे हैं, कपड़ा ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, माकूद अलैह। और सेगा उसका, भाई मैं खरीदना चाहता हूं, मैं किराए पे लेना चाहता हूं, मैं क्या बोलते हैं कुछ दिन के लिए लेना चाहता हूं, क्या मसला है ये, क्या बय का जो शक्ल होगी वो शक्ल क्या सामने आएगी सेगा के जरिए। ये तीन अरकान है, क्या क्या है, आकिद माकूद अलैह और क्या है, सेगा। तो आकिद में कौन शामिल है, बाय और मुश्तरी, माकूद अलैह में मबी शामिल, मबी यानी जो सामान खरीदा या बेचा जा रहा है, और सेगा में इजाब कबूल, भाई कितने बेच रहे हो, इतने का नहीं इतने में दे दो, हाँ ठीक है ले जाओ, आपने पैसा दिया सामान उठाया चल चल दिया, ये है क्या सेगा। अगर कोई चीज मारूफ है कि एक आदमी चिल्ला रहा है कि भाई जो है 100 रुपए किलो 100 रुपए किलो चिल्ला रहा हूं, और आप कुछ भी ना बोले, 100 रुपए उसको थमाए, सामान लिए चल दिए, ना आपने कुछ जबान से कहा ना उसने कुछ जबान से कहा, तो ये भी गोया मफहूम है ना, मुझे आपने सेगा कहा नहीं लेकिन राजी है उसके उसके कौल से, क्या है आप राजी है, 100 रुपए किलो बोल रहा है, 100 रुपए देने के लिए आप राजी थे इसलिए आपने क्या किया 100 रुपया दिया है। तो ये तीन अरकान है बय के, आकिद इसमें खरीद करने वाला फरोख्त करने वाला दोनों शामिल है, और माकूद अलैह सामान
और सेगा यानी क्या बोलते हैं आदमी की रजामंदी जिस कीमत पर सामान बेचा जा रहा है। और ऐसे ही फिर हमारे सामने तीसरा मसला है अल इशहाद अल बै, बै पर गवाह बनाना, बै पर क्या करना गवाह बनाना। कहते हैं बै पर खरीद लेन देन पर गवाह बनाना मुस्तहब तो है लेकिन वाजिब नहीं। अगर वाजिब कर दिया जाए क्या हो जाएगा, मामला तंग हो जाएगा, हम मार्केट में सिर्फ अकेले नहीं जाएंगे, दो गवाह भी लेके जाना पड़ेगा सामान खरीदने के लिए। इसलिए क्या है वाजिब नहीं, क्या है मुस्तहब है, क्या है मुस्तहब है। अल्लाह ने क्या कहा अशहिदु इदा तबाया तुम, जब तुम लेन देन करो तो क्या करो गवाह बना लो। हम कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी डील में खरीदो फरोख की बड़ी बड़ी डील में गवाह बना लेना ये मुस्तहब और औला है। अकेले नहीं भाई, हमने ये घर खरीद लिया और जब अदायगी का टाइम आया तो सामने वाला बोल रहा भाई कि आप कह रहे 10 लाख में बेचा था, सामने वाला हमने 20 लाख में बेचा था हमने, और आपसे 20 लाख वसूल करने के चक्कर में रहे, तो ऐसा नहीं होगा। बल्कि क्या करें आप गवाह मुकर्रर कर दें, भाई डील हमारी इनके सामने हुई है, ये गवाह इसके हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आम लेन देन जो होते हैं जो मारूफ हैं उसमें गवाह जरूरी नहीं है, लेकिन जो है बड़े बड़े डीलों में क्या है गवाह बना लेना मुस्तहब है, ताकि तनाजात से क्या करें हम बच सके, इख्तलाफात से बच सके। उसके बाद में कई रिवायतें हमारे सामने मौजूद है, आयत करीमा है फैन अमीना बादुकुम बादन फल योद्दी तुम्हें ना माना था, अगर गवाह ने मिलत क्या करे, गवाह ने मिलत क्या करे रहे रख ले, है ना। ऐसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवाह बनाया अपनी खरीद फरोख्त पर, और क्या बोलते हैं शरा जो है भाई शरा जो है वो उमूर है, जिक्र किया शुरू में कि जो लोगों में बकसरत बाजारों में होते हैं, है ना, हमारे यहाँ अगर ये चीज लाजिम कर दी जाए कि गवाही लाजिमी है तो नतीजा क्या होगा, लोग हरज और मशक्कत में पड़ेंगे, कहां पड़ेंगे हरज में और मशक्कत में। चौथा मसला हमारे सामने है बय में इख्तियार, खरीदो फरोख्त में इख्तियार। कहते हैं बाय मुश्तरी को, बाय बेचने वाला मुश्तरी यानी खरीदने वाला, दोनों को इख्तियार है कि बय को चाहे जारी रखे चाहे उसको फंस कर। अक्तबाय में क्या है सल कि अक्तबाय लाजिम हो जाती है, आपने पैसा दिया सामान लिया बय खत्म हो गई, लाजिम हो जाती है। जब उसके अरकान पूरे हो जाएं, उसकी शर्तें पूरी हो जाएं और मुताक़िदैन में से किसी को हक रुजू का नहीं होता है, अल-ख़ल्फ़ बै, मुताक़िदैन में से लेन देन करने वालों में से किसी को हक के बै हक के रुजू हासिल नहीं है, मगर एक इस्लाम ने क्या किया है, इस्लाम नरमी का दीन है, माफी का दीन है, आसानी का दीन है, इसीलिए कभी कभी मसलियतें हालात तमाम अफराद के जो है इस बात का ख्याल करते हैं क्या ये सामान वापस कर देना चाहिए, और दुकानदार भी क्या सोचता है एक कोई बात नहीं मैं रोजाना सामान लेके जाता है उसको नहीं जरूरत होगी या गलती से ले लिया होगा, हमें क्या करना चाहिए उसको वापस कर लेना चाहिए, उसका पैसा उसको दे देना चाहिए। कहते हैं इसी में से ये आसानी है कि मुसलमान अगर कोई सामान खरीद लेता है या कोई सामान बेच देता है और फिर पछताता है कि हमने ये खरीदा क्यों या हमने ये बेचा क्यों, पछतावा होता है, उसके लिए जायज है कि वो अपने इख्तियार का इस्तेमाल करे, इसका इस्तेमाल करे इख्तियार का। यहां पर इख्तियार की किस्में है हमारे यहां, आम इख्तियार नहीं है, इख्तियार की किस्में है। पहली किस्म इख्तियार मजलिस की, इख्तियार मजलिस की, आप सामान खरीदे दुकान पर है सामान खरीदे लोगों के साथ खड़े हैं तो आपको सामान की जरूरत नहीं महसूस हो रही आप वापस कर दीजिए, दुकानदार को महसूस हो रहा शायद मेरे पास एक ही पीस रखी हुई थी मैंने फला को बेच दिया था या मुझे घर में जरूरत थी मुझे बेचना नहीं चाहिए था, वो क्या करे बोले भाई साहब सुनो ये सामान लिया हो ना आप मुझे दे दीजिए पैसा ले लीजिए आप, हाँ ये हमारा सैंपल पीस था या हम घर के लिए रखे थे या मैंने एक को बेच दिया है गलती से आपको दोबारा बेच रहा हूं, है ना, वो वापस ले सकता है कोई हर्ज की बात नहीं है। इसको क्या कहते हैं ख्यार मजलिस का इख्तियार, इख्तियार ख्यार मजलिस, मजलिस का इख्तियार, है ना। दूसरा क्या है ख्यार शर्त, अगर आप कोई सामान ले रहे हैं आप दुकानदार को बोल दे रहे हैं भाई देखो ये सामान लेके जा रहा हूं अगर कोई गड़बड़ी आई घर में जरूरत नहीं रही घर वालों ने कहा वापस कर दो या साइज बदल दो जो भी मसला हो मैं लाकर के आपसे
आपको वापस भी कर सकता हूं और बदल के भी ले सकता हूं। या दुकानदार बोल दे लेके जाओ और अगर पसंद नहीं आ गया तो वापस कर देना। तो शर्त के साथ अगर बेचा लेना लिया जा रहा है तो ये क्या है? खैर शर्त, क्या इख्तियार शर्त है। और तीसरा खैर ऐब, आप सामान ले रहे हैं, आप बता रहे हैं अगर ये नल्ला निकल गया तो वापस कर दूंगा, इसके अंदर खराबी आई तो वापस कर दूंगा, इतने महीने में कोई फॉल्ट निकला आप गारंटी दे रहे हैं तो वापस कर दूंगा, सामने वाले क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा बगैर किसी ऐब के, और खैर ऐब में ऐब की वजह से वापस होगा। चौथा जो है खैर तदलीस। खैर तदलीस क्या है कि बेचने वाला खरीदने वाले पर क्या करे, क्या बोलते हैं, तदलीस करे, ज्यादा कीमत लगा दे, ये फेल तो जुर्म है, मन घसना फलैसा मिन्ना, ये खैर तदलीस होना चाहिए कि भाई अगर आपका सामान मार्केट रेट से मुझको महंगा मिला तो मैं आपका सामान लेकर वापस कर दूंगा, अगर धोखे की वजह से कि आपने मुझको धोखा दिया है, तो अगर इस तरह कोई शर्त लगा करके लेके जाता है उसको इख्तियार है क्या करे, लाकर माल वापस कर दे। या दुकानदार बोल दे कि मेरा सामान लेके जाइए आप, अगर आप दो चार दुकानें चेक कर लीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि क्या बोलते हैं आपका ये माल है ना मैंने कुछ गलत दिया है, मार्केट रेट से ज्यादा दिया है, आप लाके वापस कर दीजिए, ये खैर तदलीस है। क्या खैर तदलीस? हाँ, ऐब छुपाएगा तभी वापस होगा वो, अगर उसने ऐब छुपाया होगा, कीमत ज्यादा लगाई होगी है ना, तभी होगा। दो चीजें हैं तदलीस में, तदलीसुल कीमा और तदलीसुल ऐब, कीमत के साथ छेड़छाड़ किया है या ऐब के साथ क्या है उसने दे दिया है ये बता के, नहीं कोई ऐब नहीं है सब ठीक है। हाँ, कीमत या क्वालिटी दोनों में क्या है फर्क पाया गया तो क्या होगा, इख्तियार का हक होगा। चार हक हुए हमारे सामने, खैर मजलिस, और क्या हुआ खैर शर्त, और क्या हुआ तदलीस है ना, खैर तदलीस जो है क्या बोलते हैं अयूबी में शामिल है, लेकिन ऐब एक मुस्तकिल जिक्र किया है। पांचवा मसला है शुरूतुल बय, बय की शर्तें हैं। हर आदमी खरीदो फरोख्त नहीं कर सकता है। एक बच्चा पैसा लेके पहुंच गया बड़ी दुकान पर और कह रहा मुझे फ्रिज दे दो एक, और फ्रिज का सौदा करके चला आया, दुकानदार ने चूना लगा दिया उसको 1000 का, और बाद में पता लगा घर वालों को, भाई घर में हमारे फ्रिज रखा हो बाबा क्यों दे दिया इसको, नहीं उसने पैसा दिया हमने दे दिया उसको। या के मातहूल अकल है, अकल कम है उसके पास, कुछ भी करते रहता है, पैसा है कार्ड है उसके पास, मोबाइल में इस्तेमाल करता है जरूरत के लिए, जाकर के फ्रिज खरीद लिया, गाड़ी का सौदा कर लिया, किसी के फ्लैट का सौदा कर दिया, उसको बयाना दे दिया उठा करके, तो ये सब चीजें नहीं होंगी है ना। इसीलिए हमारे यहाँ शर्त है कि बैंक सही कब होगी, बैंक जो है सही कब होगी। पहली शर्त यह है कि लेन देन करने वाले दोनों रजामंद हों। हम किसी का सामान जबरदस्ती नहीं ले सकते और किसी को जबरदस्ती थोप नहीं सकते। आप कुरैशी के यहां गए, उसने जबरदस्ती 3 किलो को आपको लदा दिया, आपने कहा पैसा भी नहीं है तो क्या बोला है, नहीं नहीं अगले हफ्ते दे देना कोई दिक्कत की बात नहीं है, ले जाओ ले जाओ। आप घर पे गए तो डांटी सुन रहे हैं आप, हालांकि आप राजी नहीं थे लेने पर। तो ये जो है पहली शर्त बाय मुश्तरी की क्या है, रजामंदी, पहली शर्त है ना। या जो लदीन आमनु ला ताकुलु अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल व तुदलु बिहा इला इलल हुक्काम क्या बोलते हैं इल्ला अंतकुन तिजारतन अंतराधी मिनकु, इल्ला अंतकुन तिजारतन अंतराधी मिनकु। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला की रिवायत, अल्लाह के नबी ने क्या कहा, इन्नमल बायु अंतराधिन, बाय कैसे होगा, बाहमी रजामंदी से, बाय मुकरा वाक्य नहीं होगी, चाहे जबरदस्ती ग्राहक को पकड़ा दिया जाए और चाहे जबरदस्ती दुकान वाले से लूट दिया जाए, कोई भी बाय क्या होगी इस तरह दुरुस्त नहीं होगी। पहली शर्त। दूसरी शर्त के आकिद जो है जायजुत तसरुफ, जो अक्द कर रहा है चाहे खरीदने वाला चाहे बेचने वाला हो, दोनों जायजुत तसरुफ होना चाहिए, यानी ऐसे हो जिनके ऊपर शरीयत तौर पर कोई पाबंदी ना हो, जिनका लेना जायज हो जिनका देना जायज हो, यानी बाअक्ल लोग हो, अकलमंद लोग हो, होशियार लोग हो, बालिग लोग हो है ना, उसके उसके अहल हो, बेचने खरीदने के क्या हो, अहल हो, के बालिग हो, आकिल हो, आजाद हो और रशीद हो, अकलमंद हो है ना। तीसरी शर्त यह होगी, मतलब क्या हुआ, नाबालिग खरीदो फरोख्त करता है तो क्या होगा, बिल्कुल लौटाने का इख्तियार होगा है ना। ऐसे ही अकलमंद क्या होगा कि बजाय अगर कोई पागल होगा मातूल अकल होगा
कम अकल होगा तो क्या होगा, उसकी भय वाक्य नहीं होगी। ऐसे ही आजाद को जब गुलाम अगर करेगा तो क्या होगा, भय वाक्य नहीं होगी। इल्ला के आका की रजामंदी से करे, आका की रजामंदी से करे। ऐसे ही रशीद के बजाय गैर रुश्त वाला जो होगा, जो अभी क्या बोलते हैं सिन्ने रुश्त को नहीं पहुंचा है, छोटी उम्र का है, उसकी भी नहीं होगी। तीसरी शर्त अगर कोई आदमी कोई सामान बेच रहा है तो उसका मालिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप दुकान पे खड़े हैं और सामने वाले की मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, आप उसको बेच दिए, वो बेचारा कहीं लगा गया था आदमी, अरे मोटरसाइकिल लोगे क्या, हाँ कितने में, 10,000 में लेके जाओ उसकी, उसकी नई मोटरसाइकिल आपने 10,000 बेच के पैसा रख लिया आपने, तो आप उसके मालिक नहीं है। जिसके मालिक है उसी को आप बेचें। बगल ठेले वाला कोई सामान आपने बेच दिया अगर पूछे हुए है ना, आप ऐसा नहीं कर सकते। जिसके आप मालिक हैं उसी को बेचेंगे। क्या होना चाहिए, मालिक होना चाहिए या कायम मकाम होना चाहिए मालिक का। अगर आप मालिक नहीं है तो मालिक के कायम मकाम है, इसको हम क्या कह सकते हैं, क्या क्या बोलते हैं उसको, कौन सी अथॉरिटी, पावर ऑफ अटॉर्नी आपके पास होना चाहिए, अथॉरिटी लेटर होना चाहिए कि मेरा कायम मकाम है ये, है ना। या अगर बाजू वाले की दुकान है वो आपको बोल के गया है कि भाई जो भी आएगा सामान कीमत आपको पता है आप बेच सकते हैं, आप बेच दीजिए, मुझको बता दीजिए क्या क्या आपने बेचा, बाद पैसा दे दीजिएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। कल वकील वल वसी वल वली वल नाज़िर, जैसे एक आदमी किसी को वकील बना देता अपना, हमारे निकाह में होता नहीं है, आदमी क्या बोलते हैं वली अमर मौजूद नहीं है, लड़की का बाप मौजूद नहीं है, बेटा मौजूद नहीं है, भाई मौजूद नहीं है, लड़की की शादी कौन कर रहा है, उसका चाचा कोई करा रहा है ना, तो क्या वली वसी है, क्या है वो वकील है, क्या है वो वकील। ऐसे वसी है, किसी को वसीयत कर दिया आपने, या है कि वली है कोई, है ना, आपने किसी को वली बना दिया, या है कि नाजिर है, नाजिर यानी जो मामला को देख रहा है। जैसे हमारे यहाँ एक कंपनी होती है, कंपनी की डील कौन करता है, मैनेजर करते हैं, कंपनी का जो मैनेजर होता है, यूनिट का जो मैनेजर होता है वो डील करता है, वो उसके पास मैनेजर मेन कंपनी का मालिक से सब तय रहता है, इसको कहां से कहां तक ले जा सकते हो, कितना नीचे तक मामला आप कर सकते हो, वो बीच में पटा करके लाता है, बीच तक ये तक, कभी कभी अच्छे रेट में बेच देता है, कभी क्या करता है निचले रेट में बेचता है, लेकिन मालिक को मालूम है कि इससे नीचे नहीं बेच सकता है ना, तो ये चीजें क्या है, तय है पहले से, ये चीजें पहले से क्या है, तय है। तो ये क्या कहते हैं, नाजिर, नाजिर यानी देख रेख करने वाला मैनेजर, है ना। तो यहां पर कहते हैं कि किसी आदमी के लिए सही नहीं है कि ऐसी चीज बेच दे जिसका वो मालिक ही नहीं। अल्लाह रसूल की हदीस है, ला तबे मालिक से इंदक, ला तबे मालिक से इंदक, जो तेरे पास है ही नहीं उसको मत बेचो, मतलब जो तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी मिल्कियत में नहीं है उसको ना बेचो। चौथी शर्त, यकून अल मुबाउ बिमा युबाहु बिही इंतफा मिन गैर हाजा, के जो बेच रहा है सामान वो कैसा होना चाहिए कि बगैर हाजत के भी उससे फायदा उठाना जायज हो, बगैर हाजत के भी उससे फायदा उठाना क्या है, जायज हो। जैसे माकूलात है, मशरूबात है, मलबूसात है और सवारियां है, जायदाद मनकूला, गैर मनकूला, गैर मनकूला है, इकरात जायदाद गैर मनकूला है, और इस जैसी चीजें जिससे फायदा उठाना हराम है उसका बेचना भी जायज नहीं है। जैसे सुअर है, शराब है, मुर्दार है, आलाते लाव है, महाजिफ है, आलाते क्या बोलते हैं तर्ब है ना, ढोल है, ताशा है, सरंगी है, जो भी चीज है, जायज नहीं है। अल्लाह रसूल शास्त्र ने क्या कहा, बिल्ली बिल्ली कुत्ता कुत्ता के बारे में अभी रिवायत मौजूद है, और सिन्नोर्स के बिल्ली के बारे में मौजूद है, क्योंकि खरीद फरोख्त भी क्या जायज नहीं। आज हमारा धनरिस होती है, लोग मुसलमान तबरों के तौर पर पालते बिल्ली है ना। हज़रत जाबिर की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा बाई अल-खमर वल-मैतत वल-खिंज़ीर वल-सनाम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया है शराब के बेचने को, मुर्दार के बेचने को, सुअर के बेचने को, बुतों के बेचने को, किसके बेचने को। और दूसरी हदीस अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की है, इन्नल्लाह इज़ा हर्रमा अला क़ौमिन अकला शैइन हर्रमा समरहू, अल्लाह जब किसी कौम पर कोई चीज खाना हराम कर देता है उसकी कीमत भी हराम कर देता है। ऐसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने किससे मना किया है, समनिल कल्ब कुत्ते की कीमत से क्या किया है, मना किया है। यहां पर पांचवी शर्त है ना, किसके लिए, मुताक़िदैन के, शुरूते भाई के लिए। पांचवी शर्त क्या है, अय्यकून अल माक़ूद अलैहि मक़दूरन अला तस्लीमी, जो चीज बेच रहा है उसके सौंपने पर कादिर हो, सौंपने पर, मैं आपको बेच रहा हूं
मैं आपको दे सकता हूं उसको भी, डिलीवरी भी पर कादिर हूं। हाँ अभी दे सकता है, और देखिये अभी भी दे सकता है, और अगर सामने वाला राजी है तो बाद में दे सकता है, बाद में कह सकता है वो दे सकता है, भाई ठीक अभी मेरे पास नहीं है, या मेरे फलाव गोडाउन में, या मैं भी क्या बोलते ऑर्डर करके मंगा के दूंगा आपको, और सामने ऑर्डर करता है सेम के बाद उसको चीज मिलती है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। लेकिन कादिर हो, इस पर कादिर नहीं है तो उसको जो है उसकी खरीद फरोख्त करना क्या जायज नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल शास्त्र ने क्या किया है, बय गरर से रोका। दलील अल्लाह के रसूल ने किससे रोका है, बय गरर से। छठी शर्त आइया कूनल माफ बोले, हाँ जिसमें कुदरत ही नहीं है आपको, जो आपके अंडर ही में नहीं है वो मादूम मानी जाएगी, मादूम यानी क्या बोलते हैं, हाई नहीं हूं, एब्सेंट हूं। छठी शर्त क्या है, अयकुन अल माकूद अलैह मालूमन, जिसकी खरीदो फरोख्त कर रहा है, जिस पर अक्द कर रहा है वो मालूम होना चाहिए, लिकुल्लि मिनहुमा, हर एक को मालूम होना चाहिए, खरीदने वाले को भी और बेचने वाले को भी, दोनों को मालूम होना चाहिए। कहते हैं बेरुयती व मुशाहदती इन द लक, चाहे उसको देख करके उसका मुशाहदा करके बाय के वक्त, और चाहे कैसे वस्फु वस्फन यूमयिजु अन गैरी, या ऐसी बातें बता दे उसके बारे में कि पता चल जाए हाँ यही चीज है, दूसरी चीज क्या हो जाए वो अलग हो जाए, हाँ औसा बता करके ले अनल जिहालत गरर। आज हमारे आसानी है, आप मोबाइल में बता दे उसकी खूबियां बता दे उसकी खराबियां बता दे, बता सकते हैं। कहते हैं ऐसा क्यों जरूरी है कि मालूम होना चाहिए, क्योंकि जिहालत गरर है, जिहालत धोखा है। आप सामान ले रहे हो ना, आपको पता नहीं कैसा सामान देगा, धोखा है और धोखा ममनू है, रिवायत अभी गुजरी है। सातवीं शर्त, बाय कैसा कीमत मालूम होनी चाहिए, कीमत क्या होनी चाहिए मालूम, ऐसा नहीं 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 आप आइए सामान पहुंच जाएगा तो आपका बिल पहुंच जाएगा, है ना, ऐसा नहीं, कीमत मालूम होनी चाहिए, इतनी कीमत पर हमारी डील हो रही है ना। कहते हैं बेतादीद सिलसिलत मबिया व मारिफत कीमतिहा, है ना, ये सात शर्तें किसके लिए, बय के सही होने के लिए, बय के सही होने के लिए। छठा मसला है अलबयू अलमनियाना, सरसरी तौर पर इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कि वो बय जो ममनू है, जिन चीजों से अल्लाह के रसूल ने या इस्लामी शरीयत ने क्या किया है, मना किया है। कहते हैं बास किस्म की खरीदो फरोख से अल्लाह के रसूल ने मना किया है, पहली चीज क्या है, अलबय व शिरा बादल अजानी सानी अमल जुमा, जुमा के दिन जो दूसरी अजान होती है, हमारे दूसरी जो देखी होती है, जो पहली अजान हमारे यहां होती है, कब, जब मिंबर पर कौन बैठ जाता है, मुअज्जिन, उसके बाद खरीदो फरोख्त हराम हो जाता है, मना है। उसके बाद में बैउल अशिया लिमन यस्तईनु बिअला मासितिल्ला, ऐसी चीजें आप बेचते हैं जिससे अमूमी तौर पर लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत की मासियत पर मदद तलब करते हैं। बतौर मिसाल हमारे यहां बाद लोग फूल की खेतियां करते हैं, किन सीजनों में, जिन सीजनों में मंदिरों को देवी देवताओं को फूल लगता है और अच्छी कीमत में फूल बिकता है, या ऐसे मौके पर फूल उगाते हैं, वैलेंटाइन डे है, फला डे है ना, गुलाब बिकेगा, या ऐसे मौकों पर करते हैं कि वो मजारों पर चढ़ेगा, है ना, ऐसी सूरत में क्या होगा, मासियतिल्लाह पर अगर ताउन के लिए आप काम कर रहे हैं तो ऐसी बे जायज नहीं, ऐसी बे क्या जायज नहीं है। लेकिन अगर आपका इस्तेमाल ऐसा हो रहा है कि वो फूल आपका दवाओं के लिए भी जा रहा है, औरतों के इस्तेमाल के लिए जा रहा है, और खुशबू निकालने के लिए जा रहा है ना, और उसी में कुछ लोग मजारू लोग भी लेके जा रहे हैं, आपको खबर नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, लेकिन खास उसी उन्हीं मकासद के लिए इस्तेमाल करना, ये क्या होगा, जायज नहीं होगा, है ना। कहते हैं अल्लाह ने मना किया है इस वक्त में क्या करने से, बेचने से, क्या कहा है? والعدوان, और तीसरी ममनूब है बाय उल मुस्लिम वाला भाई अखी, मुसलमान का अपने मुसलमान भाई के ऊपर बाय करना, है ना, मारूफ है कि एक आदमी खरीदो फरोख्त कर रहा है, भी बीच में जाकर के कूद जाए आप, एक शक्ल ये होती है ना, और कह रहे मुझे दे दो मैं इतनी कीमत आपको दूंगा,
या क्या करना, वो सब कुछ कर चुका था, पूरा बाय कर चुका था, पैसा दे चुका था, आप बेचने वाले को बोले कैंसिल करो भाई, कैंसिल करो, मैं आपको डबल कीमत दूंगा। ये भी क्या है, अलबै अला बैल मुस्लिम है, दोनों शक्लें क्या जायज नहीं है। अशरा और अशरा, खरीदी पर खरीदी करना है ना, बेचने पर बेचना नहीं, क्या कहना, खरीदी पर। हाँ मैं इतना देता हूं आप, ये भी जायज नहीं है। बैउल ईना क्या है कि कोई आदमी क्या करे, कोई सामान बेचे मालूम कीमत से एक मुद्दत तक, फिर उसी चीज को क्या करे, बाय से खरीद ले। ईना के एक आदमी या पूरा लेमन बाश है, कोई चीज बेच दिया है, क्या कह रहा है भाई कैंसिल कर दो, मैं क्या करो कैंसिल कर दो और मैं तुमसे खरीदूंगा। बाय को नहीं बोला है, किसे बोला है, मुश्तरी से, मैं तुमसे खरीदूंगा इससे ज्यादा कीमत देकर, या शरा ले शरा। और भाई अनिल भाई कैसे है, एक आदमी भाई कर रहा है रेडी, आप क्या करें जाकर के उसके ऊपर उसको कैंसिल करा दे, आप जाकर खुद खरीद ले, है ना। आप क्या कर रहे हैं, इसको दबा रहे हैं बाय को, यहां पर किसको दबा रहे हैं, आप खरीदने वाले को, मैं बेचने वाले को, एक जगह आप किसको दबा रहे हैं, खरीदने वाले को, खरीदने वाले किसको दबा, बाय को, वो भी बाय कहलाएगा, भाई अनिल भाई में। और अशरा अशरा में किसको दबा रहे हैं आप, मुश्तरी को, जो बेच रहा है, जो क्या कर रहा है, ये बेच रहा है, जो ये खरीद रहा है, खरीदने वाले को दबा रहे हैं आप, बेचने वाले कहां दबा रहे हैं आप, अलबै अलबै पर जो है। बैउल ईना क्या है, एक आदमी किसी आदमी को क्या कर रहा है, कोई सामान बेच रहा है, और कैसा कर रहा है, हाँ कौन सा, हाँ वो शेरा शेरा में क्या होता है, मुश्तरी जो क्या बोलते खरीद रहा है ना, हाँ हाँ तू मत खरीद, है ना, मैं तुझसे क्या करूंगा इसको, नहीं ये असल में हम लोग चकरा रहे हैं इसमें जो है, मैं वादे कर देता हूँ, इसकी मिसाल ये है इतना शहन बेचरा, कि एक आदमी जो आदमी किसी सामान को 10 रुपए में खरीदा है ना, उससे क्या कहे, अना अभी वो कमिस लहू भी अर खसमिन, मैं तुम्हें बेचूंगा ये सामान इससे सस्ते में, अच्छा खुद के माल को, हाँ इससे सस्ते बेचूंगा, और अभी उसका आसन में नाम सामान, या इससे अच्छा माल दूंगा सेम कीमत में, है ना, ये है भाई अल्लाह भाई अखी, है ना। और शराल शराम क्या होता है, कि जिसने कोई चीज बेच दी उसे क्या कहे, बेच दिया है, उसे क्या कहे, भाई कैंसिल कर दो, मैं आपसे क्या करूंगा ज्यादा कीमत दे करके खरीद लूंगा, है ना। तो एक में क्या कर रहा है, बाय को रगला रहा है, और एक में क्या कर रहा है, क्या बोलते बेचने वाले को क्या कर रहा है, वो रगला रहा है, कह रहा है कि मैं आपको ज्यादा कीमत देकर क्या करूंगा, मैं खरीद लूंगा। भाई ईना क्या है, कि कोई आदमी कोई सामान दूसरे को बेच रहा है, लेकिन कैसे, बेसमानी मालूम इलाज है, उधार बेच रहा है, तो पर मोबाइल आपको मैं 10,000 में बेच रहा हूं, है ना, लेकिन ले जाओ पैसा भी मत देना, 10,000 के ले लो, न्यू मोबाइल 10,000 में दे दिया हमने आपको, सुम यश्तरी अमीनुल बाय, फिर मैं ही क्या करूं आपसे, बाद में खरीद लूं उसको, है ना। बेसमानिन हाजिरिन अकल, कहो भाई आप कब लिए थे, 15 दिन पहले लिए थे ना, ये मुझको बेच दो, कितने बेचोगे भाई, 10,000 का लिया था, नहीं नहीं 8,000 दूंगा आपको, क्या दूंगा 8,000, मतलब क्या हुआ, अपना मोबाइल भी ले रहा हूं 2,000 आपसे, समझ रहे। कहते हैं वफी निहायतिल अजल, है ना, यदफउल मुश्तरी अस्समनुल अव्वल, मुद्दत के अखीर में क्या करता है, पहला खरीदने वाला पहली कीमत दे रहा है, ये क्या कर रहा है, सिर्फ लेट करने की वजह से उधार के नाम पर क्या कर रहा है, 2,000 रुपया आपसे कम ले रहा है, हाँ आपको कम दे रहा है, है ना। यहाँ पर हमारे मिसाल दी हुई है, एक आध मिसाल सुना दूं मैं आपको, कह रहे थे किसी भाई उल मबी कबला कब्जी, छठी भय जो हमारे यहाँ जायज नहीं है, अल मबी कबला कब्जी, है ना, सामान को कम से पहले बेच देना,
सामान को कब से पहले बेच देना। मिसाल के तौर पर कहते हैं अयश्तर या सिल अतर मिन शख्स, एक आदमी किसी से कोई सामान खरीद रहा है, सुम यबीया, फिर उसको बेच दे रहा है, कब रहा या वही होगा, उसको लेने से पहले कब्जे में करने से पहले बेच। मिसाल के तौर पर मैंने इनसे सौदा किया, भाई मैं फला किस्म का मोबाइल आपसे लेने वाला हूं, आप कितने में देंगे? मैं आपको 10,000 में दूंगा। और मार्केट में उसका रेट 11,000-12,000 चल रहा है। अभी मैं, उन्होंने मुझको माल दिया नहीं, आप आए भले आपने मोबाइल लिया उनसे, हाँ कितने में? 10,000 में। आप मुझे बेचेंगे क्या? हाँ मैं 11 में बेचूंगा। और मैंने क्या किया, आपसे पैसा ले लिया, 10,000 उनको दे दिया, 1,000 जेब में डाला, मैं चलता बना। आप किससे लेंगे? जाओ उसे ले लेना। ऐसा बेचना जायज नहीं। पैसा आप लिए है, सामान की जिम्मेदारी आपकी है सौंपने की, है ना? ये क्या है, जायज नहीं इस तरीके से। ऐसे भाई उस सिमार कबल बदू सलाहिया, फलों को उनकी सलाहियत जाहिर होने से पहले बेचना भी क्या जायज नहीं है। यहां पर अल-तनस की रिवायत है, अल्लाह ने कहा अरअयता इन मन अल्लाह समरा, भला बतलाइए अगर अल्लाह फल रोक दे, जो क्या करते हैं फल के आने से पहले या फल लगते ही खरीदारी कर लेते हैं। अल्लाह ने क्या कहा, भला बतलाओ अगर अल्लाह फल रोक दे तुम में का दूसरा आदमी या कोई आदमी अपने भाई का माल क्यों कर लेगा? किस वजह से ले रहा भाई, फल तो आया ही नहीं उसमें, है ना? और इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है फलों के बेचने से यहां तक कि सलाहियत क्या हो जाए, उसकी जाहिर हो जाए। बाएं को भी रोका है, मुश्तरी को भी रोका है। किसको रोका है? भाई को भी और मुफ्ता को भी। कहते हैं फल की सलाहियत कब जाहिर होती है, खजूर के फल लाल हो जाए, जर्द हो जाए, है ना? और अंगूर का मामला है कि काले पड़ जाए, उनमें कलर आ जाए, है ना? काला पड़ जाए, काला अंगूर है तो, हरा अंगूर है तो उसके अंदर सफेदी आने लगे, मालूम कि रस भरा जा रहा है उसके अंदर अब, है ना? और उसके अंदर मिठास आ जाए। और दानों की सलाहियत क्या है, दाने टाइट हो जाए, है ना, सख्त हो जाए। तो ये सारी चीजें क्या है, हर फलों की सलाहियत जानी जाती है। हमारे आम वगैरह में सलाहियत क्या है, कम से कम कैरी के लायक हो जाए, भाई टूटेगा गिरेगा तो अचार के लायक तो रहेगा। हाँ नहीं नहीं अंदाजा नहीं, सलाहियत जाहिर होने के बाद, फलों की सलाहियत जाहिर होनी चाहिए, पेड़ की सलाहियत नहीं। जब तक आने के बाद भी जायज नहीं, जब तक फल जो है तैयार ना हो जाए। क्वालिटी तो वही देगा, क्वांटिटी क्वांटिटी जो है ना वो सलाहियत के बाद होती है, सलाहियत के बाद होती है। आठवीं चीज, आठवीं बह जो ममनू है, हाँ देखिए सलाहियत जाहिर होने से पहले बेचना खरीदना दोनों मना है, दोनों मना है। आठवीं चीज बय नजश, बय नजश क्या है, नजश लिखा हुआ है, आम बय नजश हम लोग बोलते हैं उसको, जो है कि कोई आदमी पड़े हुए सामान में जो सामने बेचने के लिए सामान रखा गया है उसमें क्या करे, कीमत बढ़ाने के लिए इजाफा कर दे, कीमत बढ़ाने के लिए इजाफा कर दे, है ना? और खरीदना ना चाहे, यानी बोली लगाए इसलिए ताकि क्या करे, कीमत बढ़ जाए। अब देखे होंगे दलाली जब शुरू होती है मार्केटों में, है ना, आम आया शुरू करते 5 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, है ना? उसके बाद 50 रुपया जाता है तो उन्हीं का आदमी बोलता है 55 रुपया, 60 रुपया, 65 रुपया, 68 रुपया, 70 रुपया, ये 20 रुपया जो बढ़ाएंगे कौन बढ़ाते हैं उनके आदमी? आदमी समझ नहीं पाता है, जो होशियार ताजिर होते हैं समझते हैं कि इसमें जो चिल्ला रहा है वो कौन है, वो नहीं लेता, वो उसको मालूम है और भी दुकानें हैं अभी वहां भी बोली लगेगी, वो नहीं लेता है। जो नए ग्राहक जाते हैं बेचारे क्या होते हैं, फंस जाते हैं, वो क्या करते हैं पूरा लार खरीद लेते हैं। 70 रुपये में लेके आता, पता लगता है वो माल खुले में 50 रुपये बिक रहा है, 60 रुपये बिक रहा है, वो बेचारा फंस जाता आकर के, और लोगों के सामने कसम खाता, अल्लाह की कसम 70 रुपये में लेकर के आया हूँ, और सच रहता बेचारा, वो सच रहता बेचारा, कभी कभी सच रहता है, वो नया ताजा रहता फंसा रहता बेचारा, है ना? ऐसा होता है। तो बय नजर जायज नहीं, बय नजर का जायज
नहीं है। अगर आपको खरीदना नहीं है, आप कीमत बढ़ाने का इख्तियार नहीं रखते, हराम है। अल मसला तो साबिया, सातवां मसला है अल इकाला फिल बे, अल इकाला फिल बे। इकाला का माना है रफउल अक्त अल्लदी वका बैन मुताअक्किदैन वफस्कुहु बिरिदाहुमा। अक्त जो दोनों खरीदो फरोख्त करने वाले के दरमियान वाकई हुआ है लेन देन, उसको क्या करना, खत्म कर देना रजामंदी से। रजामंदी से क्या करना, खत्म कर देना। और ये कब होता है, कहते हैं दोनों में से कोई एक पछता जाए बेच करके, खरीद करके, है ना, या खरीदे बेचने वाले के लिए वाजे हो जाए कि वो सामान का मोहताज नहीं है खरीदने वाले के लिए, या ये कि उसने उसकी कीमत अदा करने की ताकत नहीं है, अगर कीमत नहीं दिया है तो, है ना। हाँ सिला सामान, सामान का मोहताज नहीं है, है ना, लेके क्या पता लगा घर में और था गलती से ले लिया, या ये कि सामान तो ले लिया हूं लेकिन मेरे पास दम नहीं है कीमत अदा करने का, आके बोलता भाई मेरे पास ले तो लिया हूं लेकिन कीमत नहीं दे पाऊंगा, घर में पैसे नहीं है, अकाउंट में पैसे नहीं है, है ना। कहते हैं उनमें से बाय और मुश्तरी हरेक क्या करेगा, रुजू करेगा जो भी उसका हक होगा बगैर ज्यादती के, बगैर कमी के, है ना। इकाला मशरू है, इकाला क्या है, मशरू है, अल्लाह के सुन्ने उस पर उभारा है कि आप इकाला कर सकते हैं। अल्लाह के सुन्ने क्या कहा, मन अकाला मुस्लिमन बैअतहु, जिसने किसी मुसलमान की खरीदे फरोख्त को क्या किया, आराम से फस कर दिया, अकाला आराम से, भाई उसकी ताकत नहीं है ले लू, या मेरी ताकत नहीं है, है ना, सामान रख लू जो जो भी बगैर किसी तलाक के, है ना। अकाल अल्लाह असरतहु यौमल क़ियामा, अल्लाह उसकी लजिशों को भी क्या करेगा, मैं ढील दे देगा, कब, क़यामत के दिन। हाँ ढील देना, अकाल यहां भी अकाल में ढील देना है, ढील यही है, आपका मामला खत्म हो चुका है, मजलिस खत्म, मामला खत्म, लेकिन उसके बावजूद क्या कर रहा है, रियायत कर रहा है, खरीदने वाला भी और या बेचने वाला, नहीं समझे। आप एक सामान खरीदे, मिसाल के तौर पर आप गए दुकान पर, दुकान वाला आपका दोस्त है या दोस्त नहीं पहचान वाला है, आप एक क्या बोलते हैं कीमती फोन ले आए, कौन सा फोन बोलते हैं उसको, आईफोन, घर पर आए, घर वालों ने कहा बेटा पैसा कहाँ देगा, आप सोचे भाई दे देगा अब्बा दे देंगे, सारे लोग बोले नहीं हम नहीं दे पाएंगे, अभी अभी नहीं हो पाएगा। आप दुकानदार के पास पहुंचे, दुकानदार क्या बोलना चाहिए, दुकानदार को क्या बोलना चाहिए, मैं सामान वापस नहीं करूं, ये बोलना चाहिए, अपने बोलने में सच्चा होगा, लेकिन वो सोच रहा है कि भाई के पास मजबूरी है पैसा नहीं दे पाएगा तो मैं क्या करूं, नहीं दे पाएगा, सामान वापस पेटी पे एक सामान है, या खोल भी लिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं भेज दूंगा उसको, मुझे खोल के दिखाना रहता है। तो ऐसी इसी इसी फस को क्या कहते हैं, इकाला, उसको हक नहीं है, आपको हक नहीं वापस करने का, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, वो ले रहा है। या कि कभी कभार ऐसा होता है कि उसने सामान आपको भेज दिया, आपने कीमत दे दी, वो कह रहा भाई वापस कर दीजिए, आप कह रहे नहीं मैं ले चुका हूं नहीं दूंगा उसको, बोले नहीं वापस कर दीजिए, आप कह रहे नहीं, फिर समझ में आता नहीं मेरे साथ याद करता मैं भी करूं, ये इकाला, क्या ये इकाला। हाँ कोई भी मांग सकता है, दोनों, हाँ दोनों दोनों, गलती से बेच लिया या उसको ये मालूम है कि मैं इनसे अगर ले लूंगा, हमारा दूर का ग्राहक है उसको दे सकता हूँ, मैं उनको बाद में दे सकता हूँ, इस तरह भी मामला कर सकता है, हाँ कोई दिक्कत नहीं इसमें। सात आठवां मसला है अक्दुल मुराबहा, मुराबहा का अक्द, फायदे का अक्द। मुराबहा क्या है, भाई उस सिलाती बिसमन यल मालूम बैन मुताअक्किदैन बेरी बिहिन मालूम इन बैनहुमा, सामान को बेच देना उसकी मालूम कीमत के साथ मुताअक्किदैन के दरमियान, मालूम कीमत के साथ, बेरी बिहिन मालूम इन बैनहुमा, उस नफा के साथ जो दोनों के दरमियान मालूम। मिसाल दे रहे हैं, यकूल साहिब सिला, सामान बेचने वाला कह रहा है, रासो माली फिया मियतो रियाल, ये सामान जो मैं दे रहा हूं इसको मैंने 100 रियाल में खरीदा है,
कितने में? 100 रुपये में, हमारे एनडीए में 100 रुपये में खरीदा है ना। अभी वो कहिया अभिल मिया, मैं इसको 100 में बेचूंगा आपसे। सामान कितने बेच रहा हूं मैं आपको? 100 में। वरीब अशरा रियाल, और 10 रुपया क्या करूंगा मैं? मुनाफा भी लगाऊंगा। तुम लेके जाओ, तुम इसको 150 में बेचो, 200 में बेचो, 140 में बेचो, लेकिन तुम्हें कितने में पड़ रहा है ये? 110 में। 100 माल का, 10 मेरा मुनाफा। उसको मालूम है कि बाजार में इसकी कीमत 150 होगी, 140 होगी, उससे नीचे नहीं होगी। तो ऐसा आदमी क्या कर सकता है? बेच सकता है कि मेरा माल लेके जाओ, इस पर मुनाफा मेरा 10% रहेगा। हाँ, 10% मेरा मुनाफा रहेगा, वो मुनाफा भी मेरा रहेगा। मैं 100 का माल आपसे लूंगा, जब जोड़ूंगा, आप लेके जाइए माल मेरा, पैसा मत दीजिए, भी बेच के लाके दीजिए, लेकिन 100 का मैं कितना लूंगा? 110। क्या बेच रहा है? माल भी बेच रहा है, रिव्यू भी बेच रहा है। क्या कर रहा है? माल भी बेच रहा है, प्रॉफिट भी बेच रहा है। और ये कौन लोग करते हैं? होलसेलर लोग करते हैं। आज हमारे यहाँ बहुत से धंधे ऐसे होते हैं, कपड़े वाले क्या करते हैं? बहुत से कपड़े फेरी वालों को लगा देते हैं, लेकर के जाओ ये कपड़ा मेरा 200 रुपये जोड़ी है, लेकर के जाओ मुझे कितना चाहिए? 225 चाहिए। तो 300 में बेच, 400 में बेच, 350 में बेच, जितना मुनाफा आगे आएगा वो तुम्हारा है ना। नहीं बेचेगा, मुझको सामान ला के वापस कर देना, जितनी कीमत में दिया उसको रख लेना। ऐसे करते हर शाम में सामान जमा हो जाता है, या हर हफ्ते में सामान जमा हो जाता है। कौन सा कहां पर नहीं, चाहे किस तरह बेचा हो, कोई दिक्कत ये मालूम होना चाहिए बस। सामान चाहे उधारी बेचा हो भी जायज है, अगर जींस अलग अलग है उधार बेचना जायज है। कौन? हाँ, उधार में लेके गया हो, चाहे 100 रुपये पैसा देके गया हो, 10 रुपये मुनाफा बाद में देने के बाद क्या हो, कोई दिक्कत नहीं है, जायज है, रिटर्न जायज है। कहते हैं इस सूरत पर भाई क्या सही है? इस सूरत भाई क्या है? वो सही है अगर बाए मुश्तरी मिकदार समन जानते हैं तो, और मिकदार रिब जानते हैं। पता है हमको बेटा, ले जाओगे इसको? ले जाओगे अगर हाँ, मिकदार समन प्राइस, अगर प्राइस जानते हैं और क्या जानते हैं तो प्रॉफिट। बिल्कुल, असल में ये कौन लोग हैं? ये लोग हैं कौन? ये हैं होलसेलर, जो रिटेलर के जरिए धंधा करते हैं। होलसेलर को वो क्या करते हैं? अपने नेट कीमत पर देता है, ये सामान मुझको 100 रुपये में पड़ा है, मुझे कम से कम इसमें 10 रुपया मुनाफा चाहिए, है ना। वो मुनाफा मैं किससे लूंगा? आपसे। आप चाहे अभी दो सामान लेके जाओ, सामान आपका हो जाएगा, 10 रुपया मुनाफा बाद में दो, चाहे अभी 110 देके चले जाओ लेकर के, कोई दिक्कत नहीं है, या आप उधार लेकर के जाओ और क्या करो उसको बेचो। मुझे सामान की कीमत पर 10% क्या चाहिए? मुनाफा चाहिए। ये कौन लोग करते हैं? या तो बड़े होलसेलर करते हैं, या तो ऐसा ताजिर करता है जिसको बेचने का तजर्बा नहीं, तो तजर्बेकार लोगों से क्या करता है? वो अपना सामान बेचवाता है और असली कीमत पर 10% मुनाफा भी क्या करता है? वो लेता है। उसको मालूम है मेरा नुकसान नहीं होगा, 10,000 का माल बेचूंगा तो 1,000 क्या होगा मेरे घर में आएगा। और हाँ बोले, दोनों सूरतें जायज है, दोनों सूरतें जायज है। सामने वाले को आप उस सूरत में क्या कर रहे हैं? आप पैसा नकद लेकर के माल बेच दे रहे हो, उसको कहानी खत्म हो गई, वो तो आम तिजारत है। इसमें कमीशन नहीं है, ये इसलिए बोले कमीशन जो है
परसेंट वाला कमीशन नहीं है यहाँ पर, ये तिजारत की शक्ल है। आप सामान भी दे रहे हैं, सामान भी बेच रहे हैं और नफा भी बेच रहे हैं उसको। हाँ, अब वो इतना जो भी लेता है वो क्या होगा, उसका अपना रहेगा, उसकी अपनी मेहनत होगी। नौवां मसला है किस्तों को बेचना। क्या बेचना? तफसीर हुआ भाई उसीला इला अजलिन मुहद्दत। क्या करना? सामान को एक मुकर्ररा मुद्दत तक नहीं बेचना। युकस्सितु फीहा या युकस्सतु फीहा अस्समनु अक्सातन मुतअद्दिदतन। और कीमत क्या है? कई किस्तों में अदा की जाए। कुल्लु किस्त लहु अजलुन मालूम, हर किस्त की एक मुकर्ररा मुद्दत हो। हर महीने के 5 तारीख को, हर महीने के 30 तारीख को, हर महीने के 10 तारीख को आप इतना पैसा जमा करते जाएंगे। यत्फाउल मुश्तरी, मिसाल दे रहे हैं, एक आदमी के पास गाड़ी है, सैयारा गाड़ी है उसके पास, उसकी कीमत नकद कितनी है? 54,000 रियाल, 40,000 रियाल। वो मुअज्जिल हो 60,000 रियाल, लेकिन जब उसको कैसे बेचता है वो, किस्तों पर मुअख्खर करके, कहता है 60,000 रियाल लूंगा। कितना लूंगा? हमारे यहां भी ऐसे होता है, आप सामान ले, गाड़ी लेने जाए आप दुकान, उसमें क्या बोलते हैं शोरूम में, बाइक लेंगे, कितनी कीमत है इसकी? बोले आप कैसा लेंगे? बैंक के थ्रू लेंगे, लोन पे, या जो है कैश लेंगे, या किस्त पे लेंगे, कैसे लेंगे आप? अगर आप जो है नकद लेते हैं, कई 1,000 रुपये आपका डाउन हो जाता है ना। तो ये जो है तकसीम पर बेच रहा है, मतलब क्या कह रहा है कि 40,000 रियाल कीमत है इसकी, और अगर मुअज्जला है तो कितनी कीमत होगी इसकी? 60,000। मुश्तरी के साथ इत्तेफाक होता है, बेचने वाले के साथ, खरीदने वाले के साथ, कि वो मबलग क्या करेगा, अदा करेगा 12 किस्तों में, 5-5 करके, है ना। और उसको क्या करेगा, हर महीने के आखिर में 5,000 रियाल देगा, है ना। कहते हैं ये जायज, ये क्या है? जायज। लेकिन ये शर्त शुरू में हो जानी चाहिए कि इसकी नकद कीमत कितनी है, उधार कीमत कितनी है, और उधार की शर्तें क्या है। लेकिन उन शर्तों में अगर वो कुछ गड़बड़ी करता है तो सूद के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर जो है, या क्या बोलते हैं पेनाल्टी के नाम पर कीमतें बढ़ाना जायज नहीं होगा। क्या कहलाएगा वो? रिबा कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? रिबा कहलाएगा। हमारे यहाँ शर्तें हैं, शर्तें देख लेंगे, डाउट खत्म हो जाएगा। शर्तें देखें, बात बै तकसीद की शर्तें हैं, सेहत की। सिला जो है बेहौजतिल बाए वता तसरुफी इंदल अक्त, कि सामान वो बाए के अंडर में होना चाहिए, अक्त के वक्त उसके तसरुफ में होना चाहिए, दोनों के लिए उसकी कीमत पर इत्तेफाक जायज नहीं होगा, है ना। और मवाइदु सदात अक्सात जो है की तहदीद जायज नहीं होगी। उसके बाद में क्या है, बाए खरीदे और मुश्तरी दे, ये हराम है, समझ रहे हैं। सारी चीज आप पहले कर लें, बाद में गाड़ी आपको मिल रही है, अभी नहीं है, कंपनी में बन रही है, अभी आएगी तो दूंगा, ऐसा वैसा है ना। ला तबे माल ऐसा इंदक, हदीस क्लियर है, जो सामान आपके पास नहीं उसको मत बेचो। दूसरा, ला यजूज इल्जाम मुश्तरी इंदला दो फीमा बाद, खरीदने वाले के ऊपर लाजिम करना जायज नहीं होगा। यत्फ मबलग जायद अला मत्तफक अलैह इंदलग, के अक्द जो हुआ है उससे ज्यादा कीमत दे, पेनाल्टी के नाम पर, फला नाम पर, ताखिर के नाम पर, है ना। फिहाल ताखुरी अंदफईल अक्साद फैन नजाल का रिबा मुहर्रम, ये क्या कहलाएगा? रिबा हराम, हराम रिबा कहलाएगा। यहरुम अल मुश्तरी मली अल मुमातला फि सदात मा हल मिन अल असकात, मुश्तरी के ऊपर हराम होगा अल मली, अल मुश्तरी अल मली जो भर रहा है, किस्त भर रहा है, मुमातला करना, टाल मटोल करना, फिर सदा दिमा हल अक्सात, कि अब किस्तें नहीं भर पाऊंगा, टाल मटोल करना मकसद उसका अगर है तो चीज हराम है। ला हक लिल बाए फिल इहतिफाज बि मिल्कियत अल मबी बाद अल बाए, बाए को कोई हक नहीं है कि मिल्कियत बाए के बाद अपने अंडर में महफूज रखे। सामान आपने बेच दिया है, आप दे दे, एग्रीमेंट बनवा ले,
पैसा किस्तों में देगा, सामान किसलिए खरीद रहा बेचारा किस्तों पर, फायदा उठाने के लिए, आप उसको क्या करें दे दे। वलाकिन यजूज़ लहू, लेकिन जायज होगा इसके लिए बेचने वाले के लिए, अय्यश्तरी तालल मुश्तरी रहमल मबी इंदा, तो क्या करेगा मबी को उसके पास रहम रखेगा। अरे जायज है क्या आपका मबी क्या हमारे पास खरीदी हुई चीज आपके पास रहन है, ले जमान हकी फी इस्तफाइल अक्सात अल मुअज्जला, रहन या कोई दूसरा सामान रहन रखे, कोई चीज रहन रख ले, है ना, ताकि क्या है मालूम रहे कि आप दूसरी किस्तें क्या करेंगे बराबर भरते रहेंगे, समझ रहे हैं, गिर भी रखते कोई चीज, है ना। लेकिन अगर ऐसा नहीं करता है और किस्तें रोक लेता है तो उसको हक होगा बाय को कि जितनी किस्तें ले चुका है, अगर गाड़ी सही सलामत मौजूद है तो गाड़ी वापस ले ले, जितनी कितनी किस्तें ले चुका है उस गाड़ी की वैल्यू कितनी डाउन हुई है उतना पैसा उसको वापस कर दे, पर क्या पता क्या करे वो काट ले। हाँ हाँ मुसर्रात, जैसे मुसर्रात कहा जाता है ना, तो वो है धोखाधड़ी, अगर वो तो वापस कर सकता है, लेकिन धोखाधड़ी यहाँ किससे हो रही है, खरीदने वाले से, है ना, उससे धोखाधड़ी हो रही है, तो वो क्या करेगा पैसा कुछ पाया हुआ है गाड़ी ये ले लेगा मालिक, और इसको क्या करेगा जो वैल्यू उसकी डाउन हुई है गाड़ी की वैल्यू कीमत क्या करेगा काट करके क्या पैसा क्या करेगा वो वापस कर देगा, रिटर्न कर देगा जी हाँ। ग्यारह हो गए क्या अलबाबुस्तानी वफी मसाइल, इसमें चंद मसाइल है, तारीफ और रिबा व हुक्म, रिबा की तारीफ और उसका हुक्म। हाँ रिबा लगत में ज्यादती को बोलते हैं, बढ़ोतरी को। शरान क्या है, बदलेन मुतजानिसैन, जो एक जैसे बदल, एक जैसे जो बदल, गेहूं को गेहूं से, चावल को चावल से, खजूर को खजूर से, सोना को सोना से, चांदी को चांदी से, है ना, उनके उनमें से एक दूसरे को क्या करना ज्यादती के साथ बदल देना, बढ़ोतरी के साथ, 10 ग्राम सोना देकर के 9 ग्राम सोना लेना, 100 ग्राम चांदी देकर के 90 ग्राम चांदी लेना, है ना, 1 किलो गेहूं देकर के 800 ग्राम गेहूं लेना, 1 किलो गेहूं देकर 2 किलो गेहूं लेना, है ना, गर्चे की क्वालिटी कम हो लेकिन जिन्स को नहीं बदल सकते, जिन्स को बदल, ये क्या है जिन्स यानी एक जैसा सामान, ये खजूर है हाँ, क्वांटिटी बदल नहीं सकते आप, क्वांटिटी सेम रहनी चाहिए, हाँ कम क्वालिटी की हो कि तभी भी आप उसको बेच दीजिए, पैसा लीजिए फिर खरीदिए उसको आकर, है ना। इसका हुक्म क्या है, रिबा हराम है, दलीलें हमारे सामने मौजूद है। दूसरा हुक्म है, दूसरा मसला है अल हिकमतु फी तहरीमी, के रिबा हराम क्यों है, आज आप देख रहे होंगे रिबा हराम क्यों है, क्यों हराम है, रिबा पर कारोबार करने वाला आदमी दिवालिया हो जाता है, मकरूज पर जुल्म है, इंसानियत का खात्मा है, हमदर्दी खत्म हो जाती है ना, आदमी का मतलब नजर क्या रहता है, माल आए चाहे आदमी डूब जाए मर जाए फांसी लगा ले, है ना, इन सारी चीजों का खात्मा है ना। और तीसरा मसला है अनवाउ रिबा, रिबा की किस्में कौन कौन सी हैं, रिबल फजल रिबन नसिया, रिबल फजल रिबन नसिया, रिबल फजल किसमें होता है, मुतजानिसैन में, मुतजानिसैन जो दूसरे जो एक दूसरे की क्या बोलते हैं सेम जिन्स, सोना सोना से, चांदी चांदी से, नमक नमक से, गल्ला गल्ला से, मतलब गल्ले में गेहूं गेहूं से, चावल चावल से, जो भी इसमें रिबल फजल होता है। मैं आपको 1 किलो गेहूं दूं अच्छी क्वालिटी का, भले बाजार में उसकी कीमत जो है 80 रुपए किलो है, मैं आपसे 30 रुपए किलो वाला भी 40 रुपए किलो वाला भी ये कह के तो 2 किलो आप दीजिए मुझको, नहीं कर सकते आप, आपको बेचना है कीमत से बेच दीजिए, कीमत से खरीद लीजिए, है ना, ये रिबल फजल कहलाता है, क्या कहलाता है, रिबल फजल। और ऐसे ही हदीस हमारे सामने है, अद्दा बिज्दा वल बुर्र बिल बुर्र व शाइर बिल शाइर व तमर बिल तमर वल मिलु बिल मिल मसलन बेमसलिन यदम बे यदिन फमन ज़ादा अविस्तज़ादा फ़क़त अरबा,
ज्यादा दिया ज्यादा मांगा क्या हो गया सूद हो गया। अल अक्स वल मोती सवा, लेने वाले दोनों और देने वाले दोनों गुनाह में बराबर, समझ रहे हैं। और दूसरा रिबन नसीहा है, रिबन नसीहा कैसा होता है कि ज्यादती किस में हो, आदल एवजैन में हो, मुकाबिल तारीख दफ, दफ की तारीख के मुअक्खर होने के मुकाबले में। और हाँ कहां पर है फइल्लतुर रिबा फी हादिहिल अशिया, रिबा की इल्लत इन अशिया में क्या है कि अल कैल वल वजन है ना, हाँ नापा जाए, नापी जाने वाली चीज हो तौली जाने वाली चीज हो, क्या है नापी वाली कौन है सोना चांदी, तौली नापी वाली क्या बोलते तौली जाने सोना चांदी, गल्ला मापा जाने वाला है। फयहरमु तफाज़ुल फी कुल्ली मकीलिन व मौज़ून, हर नापी जाने वाली चीज और हर वजन की जाने वाली चीज में क्या होगा तफाजुल होगा, जब जब क्या हो हम जिंस हो तब, हम जिंस हो तब सारी चीजों में वसूल होगा। रिबन नसीहा क्या है, ज्यादतु व ज्यादतु फी आदि अल एवजैन मुकाबिल तारीख दफा और तारीख कब्ज फी कई फी वही कुल जिंसैन इत्तफाकता फी इल्लति रिबल फजल लैस अहदुहुमा नक्तन। मिसाल दे रहे हमारे सामने, इसकी मिसाल समझिएगा कि कोई आदमी क्या कर रहा है, 1000 सा गेहूं बेच रहा है, 1000 सा एक कुंटल, एक हम मान ले 1 टन गेहूं बेच रहा है, कितना बेच रहा है, है? पेमेंट देना, हाँ हाँ लेना, कितने में बेच रहा है बे अल्फीन व मियत इसाई मिनल कम, कितने बेच रहा है 1287, 1 टन गेहूं बेच रहा 12 कुंटल से, कितने से 12 कुंटल ले मुद्दत सना, क्या कह रहा है आप मुझे 1 साल के बाद 12 कुंटल दीजिए, हो सकता है उसका ये लेना बाजार के आयन मुताबिक हो सकता है, अरे भाई आज आप 1 टन गेहूं दे रहे हैं उसको, अगली साल आप 12 कुंटल ले रहे हैं, हो सकता है कि आज के 1 टन की कीमत 12 कुंटल के बराबर रहे, महंगाई बढ़ जाए हो सकता है, लेकिन लाजिम है नहीं, हो सकता है घट जाए, हाँ फतकून ज्यादा तू मुकाबला इम्तदादिल अजल, ज्यादती क्यों हो रही है यहां पर ताखिर की वजह से, मुद्दत के बढ़ने की वजह से है ना, और यह भी किलो शहीर बे किलोइन है ना बे किलो बुर, या 1 किलो जो बेच रहा है किलो किससे गेहूं से, वला इदका बजान, और दोनों क्या कर रहे हैं वो ले नहीं रहे अभी, ना वो गेहूं ले रहा है, बोल दे रहे हैं हम क्या करेंगे 1 किलो गेहूं क्या करेंगे, हम 1 किलो जो से लेंगे, कहते हैं एक तो तारीम क्या है फाइन नसूस अलवार दफिल कुरान व सुन्नत, जो दलीलें वारिद हैं कुरान सुन्नत की अल मुहर्रमा लिर्रिबा, वो सारी दलीलें क्या करती हैं सूद को हराम करती हैं, वल मुहद्दरा मिन तआमुल बिही सूदी मामलात को से रोकती हैं, यदखुलु फीहा हादा नौ मिन अर्रिबा दुखूलन अव्वलियन, ये शक्ल भी सूद की उसमें दाखिल हो रही है, आप कर कुछ नहीं रहे, गेहूं 10 कुंटल दे रहे हैं 12 कुंटल क्या कर रहे हैं अगले साल ले रहे हैं, ये क्या रिबन नसीहा है, किस लिए ऐसा कर रहे हैं आप ताखिर की वजह से, अगर डायरेक्ट कर रहे हैं तो रिबन फजल कहलाएगा, लेट कर रहे हैं क्या कहलाएगा मुतजानसिन में रिबन नसीहा, दोनों क्या जायज नहीं है। चौथा मसला है बाज रबवी मसाइल की, बाज रबवी मसाइल की, इसमें कहते हैं इदा बी आर रबवी बिजिंसी इश्तरा तफी है शर्तान, अगर रबवी बय की गई यानी जिंस वाली बय, दो शर्तें होंगी उसके अंदर, अतकाप मिन तरफैन फी मजलिसिल अर्द कबल अन यतफर्रका, दोनों एक दूसरे को सामान दे दे ले ले मजलिस अलग होने से पहले पहले, अतसावी बैनहुमा बिल मेयार शरई, दोनों में बराबरी हो मेयार शरई की, अल मकील बिल मकील वल मौज़ून बिल, मापी जाने वाली चीजें माप करके बराबरी हो और तौली जाने वाली चीजें क्या हो तौल करके बराबरी हो, है ना, हाँ वफी मा यली बाद सूर वाकाम हुआ है ना, बाद सूरतें और उसके आकाम, कहते हैं बा मियत जराम नजाब, एक आदमी ने बेचा 100 ग्राम सोना, क्या बेचा 100 ग्राम,
بمئة جرام من الذهب بعد الشهر، 100 گرام سونے کے بدلے، لیکن ایک مہینے کے بعد، کہا میں آپ کو 100 گرام سونا دے رہا ہوں ابھی میں، لیکن تم اس کو 100 گرام سونا کیا کرنا، ایک مہینے کے بعد دینا، کب دینا؟ ایک مہینے کے بعد. فَهَذَا مُحَرَّم، یہ کیا جائز نہیں. وَهُوَ مِنَ الرِّبَا لِأَنَّهُمَا لَمْ يَتَقَابَدَا فِي الْمَجْلِسِ، متجان حسین میں کیا لازم ہے؟ ایک مجلس ہی، ہاں پیمنٹ جنس کا ہے، سیم جنس کا ہے، پیمنٹ ہو جانا چاہیے، اسی ٹائم پیمنٹ ہونا چاہیے. ہاں بلنگ مثال ہے، کون سا اور نسیا ہے، نسیا ڈیلے کر کے، اس میں کیا کر رہا ہے؟ ڈیلے تو کر رہا ہے، اس میں ڈیلے کر رہا ہے، لیکن کیا کر رہا ہے؟ ایک مہینے کے بعد وہی لے رہا ہے، ایک مہینے کے بعد کیا کر رہا ہے؟ وہی لے رہا ہے. جنس سیم ہے، جنس کیا ہے؟ آپ بول سکتے ہیں کہ میرے کیا بولتے ہیں، آج کی جو قیمت ہے اتنی قیمت تمہارے اوپر باقی ہے، اتنا روپیہ مجھ کو دینا، چل جائے گا. سونا ادھار میں لے سکتے، کیونکہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نقد سے دے رہے ہیں. اگر سامنے والا راضی ہے آپ ادھار میں لے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سونے کے بدلے سونا ناجائز ہوگا تاخیر سے، ہاں جگہ پہ. یہ بے نصیحا ہے، مثال کے طور اس کی صورت بن سکتی ہے. سونے ہی میں آپ مجھے 100 گرام سونا دے دیں، میں آپ کو ایک سال کے بعد 110 گرام سونا دوں گا، بے نصیحا ہو جائے گا وہ. ہاں جنس میں بے نصیحا، وہ بھی جنس میں، لیکن بے نصیحا ہے. آپ زیادہ کیوں لے رہے ہیں؟ تاخیر کی وجہ سے، جائز نہیں ہوگی، حرام ہے. اشترا کلو گرام من الشعیر بے کلو گرام من البر من البر، ایک آدمی نے ایک کلو گرام جو خریدا، کس سے؟ ایک کلو گرام گیہوں دے کر کے، جازا، جائز ہو جائے گا. جیسے سونے ہی میں ہم نے کیا کہا، ایک آدمی نے آپ کو سونا دیا 100 گرام اور آپ کو قیمت بتا دی، اتنی قیمت ہوئی، آپ جب چاہیں دیں، کوئی دقت نہیں. ہاں یہ دوسرا والا جو ہے، ایک کلو گرام کسی نے آپ کیا خریدا، جو ایک کلو گرام کسی خریدا گیہوں دے کر کے، یہ جائز ہے. کیوں؟ لاختلاف الجنس، جنس مختلف ہے، جنس کیا ہے؟ مختلف ہے. لیکن مجلس میں تقابض شرط ہے، کیونکہ دونوں کیا ہے؟ مکیل ہیں، دونوں کیا ہے؟ مکیل ہیں، ماپے جا رہے ہیں، ماپ کے دیے جا رہے ہیں، دونوں مکیل ہیں. اذا باع 50 کلو گرام من البر بے شاتن، ایک آدمی نے 50 کلو گرام کیا خریدا؟ گیہوں خریدا، ایک بکری دے کر کے، کسے خریدا؟ بکری دے کر کے، ہے نا؟ جائز ہے، چاہے مجلس ملے چاہے مجلس کے علاوہ دے، کیونکہ وہ دونوں موزون تھے، موزون کو کیا کرنا پڑے گا؟ مکیل تھے، ناپے جانے والی چیز تھی. مکیل یا موزون ہوگا تو کیا کرنا پڑے گا؟ ایک مجلس میں ضروری ہے، اور اگر مکیل موزون نہیں ہے تو مجلس کا اختلاف بھی چل جائے گا. ہاں دقت کے بات نہیں، پھر ہاں ہو جائے گا. مکیل جس کو ناپا جائے، موزون جس کو وزن کیا جائے. کہاں پر؟ ہاں آپ کہاں پڑھ رہے ہیں؟ بے کلو گرام من البر، ایک آدمی نے ایک کلو گرام جو بیچا، ایک کلو گرام گیہوں سے، ہے نا؟ جائز ہے، کیونکہ جنس الگ ہے، لیکن تقابض مجلس میں شرط ہے. مطلب وہ ایک کلو گرام آپ کو جو دے، گیہوں دے، ایک کلو گرام آپ وہاں پر دے مجلس میں. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ دونوں چیزیں کیا کی جا رہی ہیں؟ ماپی جا رہی، تاکہ ماپ ایک رہے.
असल में उसको हदीस से इस्तदलाल किया है, मौजून अगर कोई चीज है मौजून मौजून से तो मजलिस में दिया जाएगा लिया जाएगा, और मकील मकील से मौजून क्या बोलते हैं लेना देना मजलिस में होगा, गर्चे क्या बोलते हैं इख्तलाफ होगा मजलिस में। सुनिए, लेकिन बता रहे हैं अगर मकील को मौजून से या मौजून को मकील से बचा जा रहा है तो तकाबुज भी जरूरी नहीं होगा। तकाबुज भी क्या होगा जरूरी, मैंने लेना लेना देना मजलिस में जरूरी नहीं होगा। मिसाल दे रहे हैं कि एक आदमी ने 50 किलोग्राम गेहूं बेचा, किससे बेचा, एक बकरी से, तो चाहे मजलिस में बकरी ले चाहे अलग जाके बकरी ले कोई हर्ज की बात नहीं है क्योंकि दोनों अलग अलग है। कहते हैं बा अमियत दुलार बेमियत मुशरी दुलारात, एक आदमी ने डॉलर बेचा $100 बेच रहा है अमेरिकन डॉलर, किससे बेच रहा है, $110 से, तुम मुझको $110 दो मैं तुमको छुट्टा $100 दूंगा। हाँ करते लोग है ना, आप मुझे 2000 की नोट दो मैं क्या करूंगा आपको ₹1900 दूंगा ₹1950 दूंगा, जायज है अल्लाह के बंदे सेम है सेम जिन से तफाजुल जायज नहीं ला यजूज। इक्तरज़ा ये जुमले देखिएगा ध्यान रखिएगा, इक्तरज़ा अल्फ दुलार एक आदमी ने $1000 कर्जे पे लिया, अला युईदा बाद अशार इस शर्त पर कि एक महीने के बाद क्या करेगा वापस कर देगा, और अक्सर या एक या क्या बोलते हैं अक्सर एक महीने से ज्यादा पर अल्फ मियत दुलार कितना वापस करेगा $1200 ला यजूज जायज नहीं। क्यों, हाँ रिबा हो जाएगा, रिबन नसिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा रिबन नसिया ताखिर की वजह से, आप एक महीना इस्तेमाल किया ना 10% दे के जाओ वही सूद है ना। बात फिजा एक आदमी ने क्या किया 10 दिरहम सोने का बेचा, भी अशर जुनै हाथी मिनत साहब मिश्री 10 जुनै से सिक्का है या सोने के 10 जुनै से सोने का सिक्का है, 10 दिरहम बेच रहा है किससे सोने के 10 सिक्के से, यदफा हुआ बादा सेना, लेकिन सोने के 10 सिक्का कब देगा वो एक साल के बाद, ला यजूज जायज नहीं है जायज नहीं है। जायज है सोने को चांदी से बेचना तफाजुल के साथ जायज है, लेकिन यदन बेदिन होना चाहिए हाथों हाथ होना चाहिए, क्यों क्योंकि दोनों मौजूद हैं, दोनों क्या है वजन किए जा रहे हैं। आपको पहले नहीं पता लगता कई मरतबा पूछे मौजून मकील है ना, मौजून में वजन का लफ्ज आ रहा है, मकील में कैल का नाप का लफ्ज आ रहा है, मकील मौजून है ना। ला यजूज बाय और शरा असम बयूक रबिया अशहुम सहाम की जमाए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जो हमारे यहां लोग क्या बोलते हैं हिस्से लिए रहते हैं शेयर्स 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 के माने में ये कहते हैं बय और शरा सूदी बैंकों के शेयर के जायज नहीं है, सूदी बैंकों के शेयर के बेशरा क्या जायज नहीं है। लेअन्ना मिन बाबी नक्द बिन नक्द इसलिए कि नक्द को नक्द के जरिए लिया जाता है बेचा जाता है, नक्द को नक्द के जरिए बेचा जाता है ना, बगैर तसावी वाला तकाबुज ना उसमें तसावी होती है तकाबुज होता है। आपका शेयर है 1 लाख का आप बेचते 1.5 लाख में 2 लाख में क्योंकि मुनाफा होना रहता है ना, जायज नहीं। और सूदी बैंक है उसके साथ का मामला करना जायज नहीं। ये था रबुई मामला। अलबाबु सालिस फिल कर्ज, कर्ज के बारे में जो है क्या चलेंगे थोड़ा देख लेते हैं मेरे ख्याल से कर्ज है रहे हैं